इस वक्त की बड़ी खबर धौलपुर से आ रही है। सोने का गुर्जा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 35,000 रुपए का इनामी डकैत बंटी गुर्जर गिरफ्तार हो गया है। पुलिस मुठभेड़ में ये गिरफ्तारी हुई है। बाबू महाराज मंदिर पर हुई मुठभेड़, लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य था बंटी गुर्जर। पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि उसके पास से 315 बोर सिंगल शॉट बंदूक, 11 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कई संगीन मामलों में वो फरार चल रहा था। कांस्टेबल अशोक को बंटी गुर्जर की लोकेशन के बारे में सूचना मिली थी। इस पर श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार साइबर टीम से नरेंद्र हेड कांस्टेबल, उसके साथ में अशोक हजारी, गजेंद्र, रवि सब कांस्टेबल, इसके साथ में SHO सोने का गुर्जा और उसके साथ टीम ने संयुक्त रूप से बाबू महाराज मंदिर कुतिन्ना के पास लोकेशन के अनुसार दबिश दी। वहाँ पर बंटी गुर्जर की लोकेशन सत्यापित होने पर उन SHO सोने का गुर्जा ने उसको सरेंडर करने की चेतावनी दी, जिस पर उसने सरेंडर नहीं किया और उसने फायरिंग चालू कर दी। उस मुलजिम बंटी गुर्जर की तरफ से 4 से 5 राउंड फायर हुए। इसमें पुलिस टीम ने अपनी आत्मरक्षार्थ हुए मुलजिम बंटी गुर्जर को गिरफ्तार करने के लिए 7 राउंड फायर किए। उसके बाद उसमें बंटी गुर्जर के पैर में गोली की चोट लगी है, जिसको धौलपुर अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया गया है। और उसके बंटी गुर्जर के पास से एक पचपेरा राइफल, साथ में 11 जिंदा कारतूस मिले हैं, जिनको जब्त किया गया है और अग्रिम अनुसंधान SHO सदर बाड़ी को सौंपा गया है।